हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेली सुबह की 10 बजे वाली क्लास फिक्स है और कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चाहे आप कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हो, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका इंग्लिश है सब्जेक्ट उसमें या इंग्लिश लैंग्वेज आपने चूज़ की है, तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब वो हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे कि सीटेट वगैरह है, इसमें पैसेज देगा, पैसेज से क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ क्वेश्चन उसमें ग्रामर के रहते हैं, है ना, ऐसे रहता है। नॉर्मल आप सुपर टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, एसटेट दे रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है ग्रामर से। तो यस, इस टाइप के अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन घुमा फिरा के बात वही है कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए हम 10 क्वेश्चन देखते हैं डेली पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। जो लोग चैनल पे न्यू हैं उन्हें बता दें कि सुपर टेट 2025 प्लेलिस्ट में आपको पिछली सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि एरर कहाँ है, गलती कहाँ पे है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे बात ये है, कहना ये चाह रहा है कि टेक्नीशियन ने मुझे याद दिलाया, उन्हें याद दिलाया देम, ठीक है, कि हर बार यूज़ करने के बाद मशीन को बहुत ही अच्छे से थॉरली, मतलब ध्यानपूर्वक और अच्छे से क्लीन करना है, करना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि टू हैव अ थॉरली क्लीनिंग ऑफ द मशीन। इस वाले सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है, क्या है देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव, अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है, थॉरली यहाँ पे विशेषण के रूप में यूज़ किया गया है। तो नॉर्मली जो यहाँ पे विशेषण होगा, यानी टू हैव अ थॉरफ क्लीनिंग, ठीक है, ये आएगा, यानी कि एलवाई नहीं लगेगा, क्लियर, इसका यूज़ होगा। बस एलवाई की मिस्टेक थी, बहुत माइनर मिस्टेक थी, बहुत सारे लोग इतनी छोटी सी मिस्टेक को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप पकड़ लेंगे अगर रेगुलर क्लासेस ऐसे लेते रहेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें कि हाँ ये भी हो सकता है, ये चीज़ें एग्जाम के टाइम पे दिमाग में रहेंगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड आई ब्लैंक यूज हिज कार व्हेनेवर आई वांटेड। कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि मैं जब भी चाहूँ उसकी कार यूज़ कर सकता था। अब देखिए वांटेड का है, मतलब वांट नहीं लिखा है, वांटेड लिखा है, पास्ट टेंस की बात है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे मॉडल के रूप में, ये सारे मॉडल्स हैं, कुड, कैन, विल और वुड। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, संभावना झलक रही है कि अगर मैं, मतलब जब भी चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, कर सकता था, ऐसे करके संभावना वाली बात आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे कुड का यूज़ होगा, ठीक है। सकने के लिए कैन यूज़ होता है, लेकिन कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो अगर पास्ट की बात हो रही है, कोई चीज़ पास्ट में ऐसा था कि मैं कर सकता था, तो वहाँ पे कुड आएगा, कर सकता हूँ तो वहाँ पे कैन आएगा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कैन का पास्ट फॉर्म कुड, विल का वुड, और कई लोग कहते हैं शैल का शुड, गलत है, शैल और विल दोनों का पास्ट फॉर्म वुड ही होगा, शुड एक अलग वर्ड हो जाता है, ठीक है, वो शैल का पास्ट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम एक वर्ड दिया है इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव, यहाँ आपको बताना है इसका अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। तो विलोम शब्द तब बताएंगे जब पहले इसका अर्थ समझेंगे, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। इनक्विजिटिव एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, जिसका अर्थ होता है जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु, जिसको बिल्कुल कौतूहल मची हो कोई चीज़ जानने की, क्यूरियस जिसे हम कहते हैं। तो अभी इसका बताना क्या है आपको, अपोजिट बताना है, इंट्रूसिव, कोऑपरेटिव, अनसिम्पैथेटिक, इंडिफरेंट। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट भी एक एडजेक्टिव ही है, उसका अर्थ है उदासीन, तटस्थ, सबसे अलग अलग रहने वाला, विरक्त रहने वाला, उदासीन रहने वाला, जबकि इसका अपोजिट हो जाता है इनक्विजिटिव, मतलब कि जो जिज्ञासु है, कौतूहली है ना, शांत वैसा नहीं है, हर चीज़ में इंटरेस्टेड है, और एक है जो उदासीन है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाते हैं। कुछ और भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, तो उसकी भी मीनिंग को हम समझ लेंगे। तो आपका पहला वर्ड है इंट्रूसिव, यानी होता है दखल,
बिना अधिकार के प्रवेश करना किसी भी चीज़ में, जो प्रवेश करने वाला होता है, दखलंदाजी करने वाला, वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक वर्ड आता है कोऑपरेटिव। तो आई थिंक कोऑपरेटिव तो सबको पता होगा, जो सहयोगी यानी मिलकर काम करना, सहयोग देना किसी भी काम में, वो हो जाता है। इसके बाद आपका एक वर्ड आता है इन सिंपैथेटिक। इसका अर्थ होता है, देखिए कई सारे अर्थ होते हैं, बेडौल, कुरूप, है ना, बदसूरत, इन सेंस में ये यूज़ होता है, यानी कि अगली का ये सिनोनिम होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कहते हैं हृदय की गहराइयों से, बस वही चीज़ है, लेकिन है क्या ये? है तो एक ये आइडम में। इसका जो है अर्थ क्या होता है, सेंस, किस सेंस में यूज़ किया जाता है? सिंसियरली, लोवेस्ट पोजिशन, टोटली, होली। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिंसियरली। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत नीचे से, इसका मतलब होता है ईमानदारी से, निष्ठा से, शुद्धता से, पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा एक वर्ड यहाँ टोटली लोवेस्ट पोजिशन, तो ठीक है, एक और वर्ड यहाँ पे आया है होली, इसका अर्थ भी आपको जानना ज़रूरी है, इसका मतलब होता है पूर्ण, पूर्णतः। नेक्स्ट देखेंगे, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। आपको बताना है टेकन की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर लगता है कि ये सही है तो फिर ये वाला चूज़ करिएगा। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, और जो लिखा है वो सही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, जनरली हम चाय के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए टेक वर्ड यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, यू कैन गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। कहने का मतलब है कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते, तुम अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। अब आपको बताना है अनलेस यू डोंट की जगह पे क्या आना चाहिए, अनलेस यू डोंट की जगह में पे इनमें से कुछ आना चाहिए, अगर लगता है कि आना चाहिए तो वो चूज़ करिए, लगता है कि जो लिखा है वही सही है तो नो इम्प्रूवमेंट चूज़ करना है। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा कि इस तरह से हिंदी तो कोई एक्सप्लेन वहाँ पे करने वाला नहीं है, सब कुछ आपको खुद से ही समझना है, और खुद से कब समझेंगे, जाहिर सी बात है जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अपनी रेगुलर रखेंगे, तब क्या होता है क्वेश्चन सामने आता है और बिल्कुल लगता है कि अरे इस तरह के तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो चीज़ें मतलब एक इजी टाइप का इजीनेस आती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनलेस जब हमने लगाया, अनलेस यानी अर्थ होता है जब तक कि नहीं, यानी जब हम अन लगा देते हैं तो नहीं वर्ड यानी कि नॉट वर्ड अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, निगेटिव वर्ड अपने आप ऐड हो जाता है, हमें अनलेस के साथ नॉट, डोंट, है ना, ये सब यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अनलेस यू डोंट वर्क नहीं, बल्कि अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस अपने आप में जब तक कि नहीं अर्थ रखता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम तब तक अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते जब तक कि तुम कड़ी मेहनत ना करो। ओवरऑल ये सेंस निकल कर आएगा, जब भी अनलेस, ध्यान रखिएगा अनलेस के साथ में नॉट, डोंट, ये सब नहीं लगेगा, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि अपने आप में ही ये एक निगेटिव वर्ड होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समथिंग, ओके, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से हैं सारे क्वेश्चन। समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कुछ ऐसा जो विश्वास करने में मुश्किल वाली चीज़ हो, जिस पे विश्वास ना किया जा सके इजीली, उसे हम क्या कहते हैं। अब काफ़ी नए नए वर्ड्स भी आपको मिलेंगे अब इस सेक्शन से, आप फटाफट से ऑप्शंस देखिए, इनएविटेबल, इनक्रेडिबल, सस्पिशियस, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, देखिए पहले से आपके हम अर्थ देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक वर्ड आपको यहाँ पे काफ़ी नया सा वर्ड मिला है, इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल, इसका अर्थ होता है अपरिहार्य यानी अनिवार्य, यानी कि जो मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, वो होता है। उसके बाद इनक्रेडिबल है, मतलब आपको पता है अतुल्य, जिसकी तुलना भी ना की जा सके, और थोड़ा सा विश्वसनीय भी, अविश्वसनीय जिसको हम कह सकते हैं, वो हो जाता है, यानी इतना अच्छा कि वो अविश्वसनीय हो,
सीधे सीधे इसका शुद्ध हिंदी ही अविश्वसनीय होता है, ठीक है। सस्पिशियस जो थोड़ा सा ऐसा हो जिस पे थोड़ा शक हो, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, तो जाहिर सी बात है जिस पे विश्वास इजीली ना किया जा सके यानी अविश्वसनीय हो, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। सी लेवल यानी कि समुद्री तल से ऊपर की जो हाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड, सर्टिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको इजीली बन गया होगा क्योंकि ये टर्म्स जो है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जनरली, सारे टर्म्स पता हिंदी मीडियम वालों को भी रहेगा, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे इंग्लिश से है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्टीट्यूड, ठीक है। वो हाइट जो समुद्री सतह से ऊपर की जो हाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो कोई हिल हो, कोई पहाड़ी हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगी, उसकी एल्टीट्यूड। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि एक ही लोकेलिटी में, एक ही पूरे आसपास में रहने वाला, जो साथ में रहने वाले लोगों का समूह क्या कहलाएगा, नेबरहुड, क्राउड, कम्युनिटी, पब्लिक। तो ये कहलाता है नेबरहुड, पड़ोस, ठीक है, एक ही लोकेलिटी में यानी कि एक ही जगह पे, जैसे आपके घर के आसपास जो घर होंगे या जो लोग रहते होंगे वो सब क्या आपके पड़ोसी ही कहलाएंगे ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक स्पेलिंग सही है, चारों ही वर्ड्स अलग अलग हैं पर चारों में से तीन की स्पेलिंग जो है रॉन्ग है। आपको बताना है कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। फटाफट से देखिए, ड्यूरेशन, डस्टर, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिकल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरेशन। ये इसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल ही सही है। ड्यूरेशन का अर्थ मतलब मीनिंग होता है समय अंतराल या अवधि, जिसको हम कहते हैं कालावधि, ठीक है। अब डस्टर है, जो डस्टर तो सब यूज़ करते होंगे एज अ टीचर, उसमें झाड़न जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में, यू की जगह ई लगेगा, स्पेलिंग बाकी सही है, यू की जगह ई लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग में ये एस जहाँ लिखा है वहाँ पे सी लगेगा। इकोनॉमिकल में ई जहाँ लिखा है वहाँ पे ए लगेगा, क्लियर। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था जो कि डेली चलता है। जो लोग चैनल पे न्यू है, प्लीज़ आपको नहीं पता होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिएगा तो चला जाया करेगा। एंड यस, प्रीवियस बहुत सारी क्लास हो गई हैं तो वहाँ सब कुछ आपको सुपरटेट 2020 प्लेस में मिलेगा। और अगर आपको पैडागॉजी पढ़नी है तो इंग्लिश पैडागॉजी नाम की एक भी प्लेलिस्ट है, आपको चेक तो देखिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं, 1300-1400 वीडियो हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, अपनी जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की अगर थ्योरी पढ़नी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश ग्रामर के नाम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय।